YouTube ऐप में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर आपने YouTube चैनल के लोगों पर क्लिक करते हैं, अदर अकाउंट के ऑप्शन पर जाते हैं, वहां पर लिखा था एनी एरर अराउंड, कहने का मतलब है अगर आपका जो पहले चैनल लॉगिन है वो या तो किसी ने हैक कर लिया है, वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा, वो चैनल ओपन ही नहीं हो पा रहा। अब इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है, कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, जो मैं आपको टिप बताऊंगा आपने उस टिप को फॉलो करना है, आपका जो लॉगिन चैनल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने करने क्या है, प्ले स्टोर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने YouTube को सर्च कर लेना है। यहां पर आपने अपनी YouTube ऐप को अपडेट कर लेना है। तो गाइस जैसे आपने YouTube ऐप को अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद दोस्तों आपने करने क्या है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपने एक सेटिंग में से एक सेटिंग को ऑन करना होगा। आपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर आपने दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे पास यहां पर ओप्पो फोन है, तो यहां पर आपको आ रहा है ऐप लिस्ट, आपको यहां पर एप्लीकेशन मिलेगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, कैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा यूट्यूब का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको क्या करना है, यहां पर कर देना फोस्टॉप। फोस्टॉप करने के बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूज, जो आपकी स्टोरेज होगी वो आपने यहां से दोस्तों क्लियर कर देनी है। यहां पर मैं अपनी स्टोरेज को कर देता हूं क्लियर। क्लियर करने के बाद दोस्तों YouTube चैनल को ओपन करना है। ओपन जैसे करेंगे, कैसे मैं यहां पर लोगों पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पर अदर अकाउंट के ऑप्शन पर जाता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं मेरी प्रॉब्लम है फिक्स हो चुकी है। और मैं अदर YouTube चैनल को लॉगिन करता हूं तो मेरे पास वो लॉगिन है, वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने YouTube चैनल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरह YouTube से वीडियो मिलती रहे।